रेडी स्टार्ट। पदार्थ विज्ञान की सीमाएं पदार्थ तक सीमित होती हैं। जड़ पदार्थ की क्रिया प्रक्रिया तथा उसके परिणाम का अध्ययन अन्वेषण इस क्षेत्र में आता है, परंतु योग विज्ञान का परिकार उससे कहीं अधिक और व्यापक है। योग विज्ञान की अद्भुत प्रक्रियाएं पदार्थ विज्ञान की परिभाषाओं में नहीं बंधती हैं और इसी कारण विज्ञान इसे संदेह की दृष्टि से देखता है, परंतु बात ऐसी नहीं है। किसी भी स्थिति को जानने समझने एवं मापने के लिए उसके अनुरूप यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। पदार्थ के घटकों का तो विज्ञान अपने यंत्र से मापन मूल्यांकन कर लेता है, परंतु चेतना के आकलन के लिए उसके पास कोई यंत्र नहीं है और इसी कारण चेतना विज्ञान की विलक्षण क्रियाओं को वह संशय की नज़र से देखता है। पदार्थ विज्ञान का दायरा पदार्थ तक है। वह जिसे देखता है उसे सही मानता है और मानना भी चाहिए। जो प्रत्यक्ष दृश्यमान है उस पर अविश्वास कैसे किया जाए। परंतु यह भी सच है कि अदृश्य है उसका भी तो कोई अस्तित्व होगा, उसका भी विज्ञान होगा। यह अदृश्य जगत चेतना विज्ञान का क्षेत्र है और यह इतना ही सच है जितना कि दृश्य जगत विज्ञान कहता है कि शोध परीक्षण एवं अध्ययन अन्वेषण के पश्चात प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर ही अनेक प्रकार की विवेचनाएं की जाती हैं। बिना प्रयोग किसी विषय पर संदेह करने को अंधविश्वास कहते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में रहने के बावजूद हम स्वयं को बुद्धिमान मानने के बाद भी ऐसी बहुत सारी बातें कहते सुनते हैं जो अंधविश्वास के दायरे में आती हैं। यह बात चेतना विज्ञान को न समझने वाले उन तथाकथित वैज्ञानिकों एवं विद्वानों को कही जा रही है जो इसके बिना परीक्षण एवं निष्कर्ष के आधार पर ही अविश्वास कर बैठते हैं। चेतना विज्ञान परिष्कृत एवं परिवर्धित विज्ञान है जो स्थूल जगत के साथ सूक्ष्म जगत के संबंधों का भी उल्लेख करता है। स्थूल जगत का सारा दृश्य क्रिया व्यापार सूक्ष्म जगत से संचालित एवं नियंत्रित होता है। स्थूल और सूक्ष्म के बीच का संबंध सूत्र बड़ा ही गहरा सूक्ष्म एवं सुदृढ़ होता है। जैसे मनुष्य अपने विचारों से संचालित होता है, ठीक उसी प्रकार स्थूल जगत सूक्ष्म जगत से नियंत्रित होता है। चेतना विज्ञान इनके संबंधों
परिणामों एवं प्रभावों का व्यापक अध्ययन अनुसंधान करता है। यह बताता है कि मन प्राण के माध्यम से शरीर पर शासन करता है। प्राण की डोरी के दो छोर मन और शरीर होते हैं। इन संबंधों के विज्ञान को जानने वाला योगी सिद्ध महापुरुष जो कार्य करता है वह अलौकिक आश्चर्यजनक एवं विलक्षण होता है। ब्रह्म